यंगेस्ट सीटीसी प्लस गोल्ड एग्जीक्यूटिव यश डोंगरे सर जी को मैं ऑनलाइन डायस पर इनवाइट करता हूं। वेलकम सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू भावेश सर। वेलकम सर जी, प्लीज कंटिन्यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम यश ललित डोंगरे, मैं प्रॉपर नासिक से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशन में बीबीए लास्ट ईयर को हूँ। दोस्तों आज मैं आपके साथ दो पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। पहले तो मैं मेरा खुद का पप्पा का एक्सपीरियंस बताऊंगा और फिर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। दोस्तों माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करके मेरे फैमिली को 15 साल हो गए। अगर 15 साल के पहले के अगर हमारी लाइफ आप देखोगे और अभी की लाइफ अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत चेंज है। अगर 15 साल के पहले की मैं बात करूं तो मेरे पप्पा मम्मी नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक सटाना करके गांव है, उधर रोड पर बैठकर एक यूरिनल के सामने रस्ते पे बैठकर मंगलसूत्र में काले मनी पिरोने का काम करते थे। रोज 50 से 100 रुपए कमाते थे। ऐसे करके मैं तो उनके साथ नहीं था, क्योंकि जब मेरा बर्थ हुआ, जब मैं 3 मंथ्स का था, तब से उन्होंने मुझे अपने ग्रैनी के पास भेज दिया था मुंबई में। तो मैं मुंबई में पढ़ा, बचपन से मैं मुंबई में था, 4th स्टैंडर्ड तक मुंबई में पढ़ा। उसके बाद मैं आ गया नासिक 2 साल के लिए, 2 साल के लिए इधर आया, 5th 6th स्टैंडर्ड इधर किया। उसके बाद मुझे पुणे के टॉप मोस्ट स्कूल में डाला गया, SSPMS नाम है उनका, वो स्कूल का मिलिट्री स्कूल थी, उधर मेरे एजुकेशन कंप्लीट किया। और जब मैं इधर आया नासिक में मेरा कॉलेज के एजुकेशन लेने के लिए, तब तक मुझे अपना बिजनेस क्या है ये पता नहीं था। पर जब धीरे धीरे मेरे पापा ने मुझे समझाया कि हम ये बिजनेस करते हैं, ऐसा ऐसा है, तो तब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो करियर के हिसाब से तो ठीक है। मेरे पापा को ज्वाइन करने वाले ऐसे हमारे फैमिली अपलाइन मिस्टर किशोर जी आयरे सर, इनको मैं कई दिल से वंदन करता हूँ, इनके वजह से आज हम लोग इधर है। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, मेरे पापा ने मुझे तभी बता दिया था अगर अपना खुद का आईडी सीटीसी प्लस गोल्ड रहेगा तो भी तुझे इनिशियल स्टेज से चालू करना पड़ेगा, तभी मैं तुझे मेरा खुद का आईडी दे दूंगा। जैसे हमारे प्रवीण चंदन सर ने निखिल चंदन सर के साथ किया है, वैसे ही हम सब यंग जनरेशन फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों 11th स्टैंडर्ड में मैंने अपना बिजनेस चालू किया। प्लान देते समय मेरे साथ मेरे ग्रेट अपलाइन भावेश आयरे सर रहते थे। हम लोग को प्लान देते समय मेरे फर्स्ट गेस्ट थे मेरे कोचिंग क्लासेस के ओनर मिस्टर हीरालाल बेदाड़े। ऐसे मेरा फर्स्ट गेस्ट वो था, उनके उनके वजह से मेरा बिजनेस चालू हो गया। ऐसे करते करते दोस्तों मेरा आईडी, मेरा खुद का आईडी ATC है, और हमारे हमारे पूरे खानदान में दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था, मतलब किसी के सपने भी नहीं थे कि हमारे घर में कोई गाड़ी आएगी, फॉरेन टूर रहेंगे। किसी का खुद का घर भी नहीं था मेरे पापा के घर में, पर आज माय लाइफस्टाइल के वजह से और प्रवीण चंदन सर और ऑल हमारे ग्रेट अपलाइन के सपोर्ट के वजह से आज हम लोग की 8वीं कार जैगवार घर के सामने खड़ी है। और मुझे बहुत गर्व लगता है मेरे पापा के ऊपर कि उनके वजह से मैं 4th स्टैंडर्ड में था तभी फॉरेन ट्रिप जाके आया हूँ। दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा यंग जनरेशन के लिए कि अभी सब लोग, वो कोई भी जिसको समझता है, जो न्यूज देख रहा है, सब लोग को पता है कि कोरोना वायरस चालू है। 3 महीने से अपना देश पूरा लॉकडाउन है। 3 महीने में मुझे तो भी इतना समझ में आ गया कि कोई किसी का नहीं रहता, जिसके पास रुपया उसके सब। इसलिए मैं यंग जनरेशन को एक ही बताना चाहता हूँ और उनके पेरेंट्स लोगों को भी एक ही बताना चाहूंगा कि अपने बच्चे लोगों को एजुकेशन करवाओ, जितना सीखने का है उनको सीखने दो, पर उनको फोर्स मत करो कि आप जॉब के लिए जाओ। क्योंकि अभी कोरोना वायरस के वजह से ऐसा अगर वायरस आगे भी आ जाए तो क्या होगा अपने देश का और अपने बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा। इसलिए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो भी लीडर्स अभी यूट्यूब, जूम ऐप,
जो भी गेस्ट है, जो सुन रहे हैं, जिसने जिन्होंने हमारा प्लान प्रेजेंटेशन देखा है, अपने लिए नहीं पर अपने फ्यूचर के लिए तो भी ये बिजनेस चालू कीजिए और अपने फ्यूचर के लिए बिजनेस सेट कीजिए। और यंग जनरेशन, अगर हम सब साथ में मिलकर ये बिजनेस चालू करें तो वो 101% में गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये माय लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ही देगी। दोस्तों, थैंक यू सर जी, इतना ही कहना चाहता हूँ। और अपने को हमारे वीआईपी गेस्ट को भी सुनने का है, इसलिए जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।